मैहर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायती राज सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि इतने लोगों में से किसी ने भी मांग पत्र नहीं दिया है। ये पंचायती राज की मूल ताकत है। पंचायती राज में पंचायत अपने आप में सक्षम है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल मैहर पहुंचे, जहां पर जिले के सभी पूर्व एवं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर परिषद उपाध्यक्ष, पंच सरपंच के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में रीवा संभाग के क्लस्टर प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने चुनाव संबंधित चर्चा भी की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही और किसी ने मांग पत्र नहीं दिया, ये पंचायती राज की मूल ताकत है। माता मैहर के चरणों में नमन। नवरात्रि में यहाँ पर आने का मौका मिला है और मैं इस बात से गौरवान्वित हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है पंचायती राज में। किसी ने मुझे मांग पत्र नहीं दिया और संवाद में जो सद्भाव और सब आपसी विमर्श था, ये पंचायती राज की मूल ताकत है। और मेरा विश्वास है कि ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो संकल्प लेंगे तो विजय के अलावा कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने देखा इतनी ऊपर वाले के पता नहीं नजर क्यों टेढ़ी हो गई, बारिश नहीं हुई। हमारे मंत्री जी ने इस बारे में समझा, आचार संहिता लगी, इसके बावजूद भी हर पंचायत को 115 पंचायत है, हर पंचायत के 1-1 लाख का टीएस घर पहुंच गया, आपके खाते में पैसा आ गया, आपका घोषित किया गया, आप लोगों को अधिकार दिया गया कि आप टैंकर लगा ले, मोटर ले ले, मोटर डाल ले, लेकिन हमको एक एक व्यक्ति को पानी पिलाना है। ये सोच केवल भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं एक सबसे मेन जो निवेदन करने के लिए खड़ा हूँ, ये चुनाव लोकल चुनाव नहीं है। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बोला, सरपंच का चुनाव लोकल मतभेद होता है, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, विधानसभा में 3-4 भाग में बढ़ जाते हैं, लेकिन ये राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, ये सनातन धर्म का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के है यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ये उनका चुनाव है। जितने लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति सोच रहा होगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।